एक के ड्राइव यार, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। ये राजस्थान ट्रिप सी इसका एंड पार्ट है, तो इसी में मैंने सब कुछ कंपाइल कर दिया हुआ, क्योंकि यार काफ़ी सारे मेरे क्लिप्स मिल ही नहीं रहे हैं ही नहीं। तो इस चक्कर में जैसे हमने गिरदेसर लेक पे काफ़ी कुछ शूट किया था, वो चीज़ है नहीं। उसके बाद जहाँ पे पटवो की हवेली थी, जो फोर्ट था, वहाँ पे काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया था, पर वो मिल ही नहीं रहा, वो क्लिप्स ही डिलीट हुई हुई है। तो फिर उसके बाद यही है, इसी चक्कर में फिर ऐसा बनाना पड़ रहा है। आई नो ये व्लॉग काइंड ऑफ बड़ा अजीब सा है, पर इसी व्लॉग में फिर मैंने एंडिंग कर दी थी हमारे लास्ट। ये दो दिन का एक व्लॉग है, दो दिन का मतलब एक सीरीज है टोटल। तो व्लॉग को पूरा देखो, मतलब सीरीज़ को पूरा देखो, एंजॉय करो और बताना कि कैसी लगी आपको ये राजस्थानी ट्रिप सीरीज कमेंट्स में। यार पहले पहुंच चुके हैं गिरदेसर लेक, इस तरफ हुई हैं बसें। तो गिरदेसर लेक की थोड़ी स्ट्रिप डालता हूँ। ये आर्टिफिशियल लेक है, 1156 एडी में बाय रावल जैसल सिंह, और 1360 में एडी में इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। रिकंस्ट्रक्ट कराया था गच्छे सिंह भट्टी जी ने 1367 एडी में। चलो आपको दिखाते हैं अब जरा लेक के नज़ारे। अगर सामने हैं थोड़ी चढ़ाई पे, यार ये है सॉरी मैन मेड लेक जो रावल सिंह जी ने बनवाई थी और उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। फिर देख लो आप, मछलियाँ दिख रही होंगी आपको। तो यार हमारी बारी बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए बोटिंग नहीं कर पाए। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बोटिंग ज़रूर कर लेना। यार सबका मैच की बहुत ज़्यादा है, आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, बस उसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कहीं से नेटवर्क मिल गया है, ब्लूटूथ दे दे, सब्सक्रिप्शन चाहिए, बंदा ने कहा है वैसे सब्सक्रिप्शन, अब तो वो देख रहे हैं। दुर्घटना घटी, ये वैसा काम होने वाला था, नजर बनाई रखनी है। ये देखिए विकेट के कितना पास था बैडी भाई, बहुत करीब बची, और आखिरी गेंद और यहाँ पर 4 रन मिलेगा। यार अब आई एम पटवाओं की हवेली, उसको इंग्लिश की भी इसकी एक अच्छी ट्रांसलेशन है, मेरे को यार एक्चुअली सारा कुछ आती है, मैं एक बारे में देख के आपको लिख कर बता दूंगा। तो ये जाना था अपनी बड़े गेटवे की वजह से, आर्कीवेज और जो वॉल पेंटिंग इस पर लगी हुई हैं, तो इसलिए जाना जाता है। बाकी आप देखो सुंदर ब्यूटीफुल सिटी का नाम है जैसलमेर, जिसके अंदर आप सबका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जैसलमेर का फर्स्ट मॉन्यूमेंट अपन विजिट करने जा रहे हैं, साइड में आ जाओ, जा रहे हैं पटवों की हवेलियां, जो वर्ल्ड फेमस है अपने स्टोन में कार्विंग वर्क के लिए। और वो हाउस आज से 300 ईयर ओल्ड, अभी जैसे अडानी अंबानी है ना, वो पर्सन हमारे यहाँ का अडानी अंबानी था, क्यों था वो मैं आपको हवेली पे एक्सप्लेन करूंगा। उसका घर अपन विजिट करने जा रहे हैं। हवेली यहाँ से 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे, फिर वहां से फोर्ट है 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये ट्रांसपोर्ट यहाँ से फोर्ट पार्किंग जा रहा है, इधर नहीं मिलेगा आपको। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब कमाइंड रहेंगे, संघ एक साथ रहेंगे, ऐसे नहीं एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, जैसे परिसर में जा रहे हैं। ओके, और अभी जाते वक्त और अभी जैसे अपन अंदर जाएंगे, हाईएस्टली 2 की पेर या 3 की पेर में चलेंगे, क्योंकि नैरो स्ट्रीट है, ट्रांसपोर्ट चलेगा। ओके, और अपने लेफ्ट साइड चलना है, आइए वहाँ पे सीधा। अरे गाइस लेफ्ट रहो, कंटेंट के चक्कर में गाइस क्या क्या करना पड़ रहा है, इसलिए लाइक शेयर कमेंट हो जाना चाहिए वीडियो पे, और सब्सक्राइब भी करो, एंगेजमेंट बढ़ती है इससे। ये देखो ऑर्गेनाइजर अपना काम करते हुए और प्रमोटिंग इट। गाइस जाके GNT टिप्स को भी फॉलो करो, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसके इंस्टाग्राम का लिंक। भाई कंटेसा क्या बात है, गाड़ियाँ चेक करो, अंदर पूरी विंटेज क्लासिक कार लगी हुई थी, बहुत मस्त है ये, मतलब ये एरिया ही बहुत मतलब सारा इतना बढ़िया है ना। आहो देखने वाला है, मतलब कैसे बने। अमृता जी स्ट्रीट वहां तक जा रही है सारी, आगे आगे तक। तब जब वो कुछ बताने लगेंगे या फिर कुछ बताएंगे, मैं तब चालू करूंगा, तब मिलता है आपको बाद में। ये देखो
यहाँ से चल होती है पटवों की हवेली। पेज में काफ़ी सारी फोटोज आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखेंगी, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है यार। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हवेली है, उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह, वो भाटी राजपूत है, वो किले से बाहर रहते हैं, हमारे किले से बाहर रहते हैं राजा, किले के अंदर प्रजा रहती है, हमारे किले के अंदर 7,500 लोग प्रेजेंट में रहते हैं, जो लोग अंदर रहते हैं उनके घर होटल दुकान रेस्टोरेंट सारा कुछ आपको किले में दिखेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई किला देख रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे कोई बाजार देख रहे हैं या कोई शॉपिंग मॉल देख रहे हैं। तो किला कम हो गया टूरिस्ट पर्पज से, उसको कॉमर्शियल लोगों ने ज़्यादा कर दिया, तो लिविंग फॉल्ट है। अब राजा के जो बड़े अहदे पे लोग काम करते थे जैसा कि दीवान सेनापति कोई बिग मर्चेंट, उनके जो कैटेगरी वाइज बिग हाउसेज रहते हैं उनको बोलते हैं हवेली, हवा प्लस हवेली एयर प्लस बिग हाउस, ज्यादा विंडो वाला ज्यादा जरोखों वाला रोशनदान हवादार मकान हवेली, तो इस स्पॉट को बोलते हैं पटुओं की हवेलियां, क्योंकि ये एक ही जगह पे 5 इमारतें एक साथ बनाई गई। सामने का जो पार्ट आपको विजिट हो रहा है ये वन हाउस है, वन हवेली 1, 2, 3, 4 और 5, इनके जो प्रॉपर राइटर थे उनका नाम है गुमानमल बाफना जो जैन धर्म से रिलेटेड थे, और उनकी कास्ट का टाइटल था पटवा, पटवा मीन्स जो क्लोथ में ज्वेलरी में कढ़ाई बुनाई का वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं पटवा। ही हैव 5 सन, उनके 5 पुत्र थे, उन्होंने अपने 5 लड़कों के लिए 5 घर बनवाए, 5 फ्लोर की प्रॉपर्टी है, 3 फ्लोर के अंदर पॉपुलेशन स्टे करता था, 2 फ्लोर इसका बेसमेंट बनाया गया जिसके अंदर वो लोग अपना सामान रखते थे जस्ट लाइक गोदाम। ये प्रॉपर्टी जितनी आपको हाइटेड दिख रही है उतनी ये डाउन में भी, और ये प्रॉपर्टी मेक हुई 18th से 16th सेंचुरी में, यानी कि एक घर को बनने में 12 साल का वक्त लगा, 5 घर बनते बनते 60 साल लग गए, और 1800 से लेके 1870-80 के टाइमिंग में ऑल एशिया में ये जो पर्सन थे गुमानमल बाफना इनकी 350 शॉप्स थी पूरी एशिया में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रिचेस्ट पर्सन ये रहा होगा। अब जैसलमेर की आज से 100 ईयर ओल्ड कोई भी प्रॉपर्टी आप विजिट करेंगे तो स्टोन के अलावा किसी प्रकार का रॉ मटेरियल चूना सीमेंट वाटर गारा कुछ यूज नहीं है, सिर्फ पत्थर से पत्थर को कनेक्ट करके इंटरलॉकिंग क्रॉस सिस्टम से ये सारे भाग खड़े किए गए, पत्थर के अलावा कुछ है ही नहीं, पत्थर और लकड़ी, लकड़ी के गेट है और पत्थर की इमारतें, ओके। और इंटरलॉकिंग का मतलब होता है फोल्डिंग सिस्टम, अपन इसको एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट भी कर सकते। तीसरा सबसे बड़ा जिला है, थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, फर्स्ट है ले लद्दाख, सेकंड है कच्छ गुजरात, तीसरा है जैसलमेर, मगर सबसे ज्यादा बिना काम की जमीन व्यर्थ भूमि अनयूज लैंड यहाँ पे है, क्योंकि वाटर नहीं है, विदाउट वाटर खेती ना के बराबर, कोई फैक्ट्री नहीं कोई इंडस्ट्री नहीं, माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, है ना, काम नहीं यहाँ पे। ओनली 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रेजेंट का जनगणना, तो एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं, आप ही ऑन रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना, आपने देखा होगा रास्ते में कुछ नहीं पूरा खाली पड़ा है क्योंकि पानी नहीं है तो काम नहीं, तो आज भी यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 300 साल पुरानी इमारत है, हमारे किले की नींव रखी गई 900 साल पहले, ये लोग यहाँ पे करते क्या थे, तो ओल्ड टाइम में यहाँ एक सिल्क रूट चलता था जिसके तार वेनिस से जुड़े थे, मध्य एशिया यूरोप तुर्की टर्की अफगान काबुल कंदार से जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था वाया सिंध, यानी कि पाकिस्तान के रस्ते से होते हुए कैमल कारावान से आते थे, वो कारावान से यहाँ पे होल्ड करते थे, तो राजा उनसे टैक्स लेता था जस्ट लाइक प्रोटेक्शन मनी, तो राजा की आजीविका उस टैक्स पे डिपेंड करती थी, और जब कारावान ने यहाँ पे स्टे करना चालू किया तो यहाँ पे व्यापार की गतिविधियां हुई, तो बिजनेस रिलेटेड कम्युनिटी आई जिसमें जैन कम्युनिटी आई, पालीवाल ब्राह्मीन्स आए, उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाई जिसका एक पार्ट आप विजिट कर रहे हैं। बट 1943 में बॉम्बे बंदर का बन गया कांडला पोर्ट, बंगाल में बन गया कालीकट, यहाँ का सिल्क रूट हो गया क्रोज, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा बाई वाटर होने लगा, जब यहाँ पे वर्क नहीं रहा तो ये बिजनेस रिलेटेड कम्युनिटी यहाँ से माइग्रेट होगी, काम नहीं रहा तो यहाँ करेंगे क्या, ये कम्युनिटी भी गई, जाते जाते ये 2 घर बेच गई, एक नंबर मिरर वाला किसी ने वर्क देखा, यस ओके, और एक ये 3 नंबर गेट बंद दिख रहा है
दो नंबर और पांच नंबर इंदिरा गांधी ने खरीद के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे दी और एक इमारत में उनका एक परिवार आज की डेट में रह रहा है। अब एक पार्ट को म्यूजियम कन्वर्ट किया गया है, पटवा लोगों का लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये आज से 300 साल पहले के अडानी अंबानी थे। अभी अडानी अंबानी थे 300 साल पहले का था। अंदर में चांदी के बेड, चांदी के सोफा सेट, केरोसिन से ऑपरेट होने वाले रेफ्रिजरेटर, रूम हीटर, केरोसिन से ऑपरेट होने वाली प्रेस, क्योंकि नीता अंबानी 2.5 लाख के कप में चाय पीती है ना, ये उस टाइम के अंबानी थे। उसका 150 रुपये एंट्री टिकट है, मैंने 80 कराने का कोशिश किया था, कर नहीं रहा मालिक उसका। ओके, अगर किसी को विजिट करना है तो एक जना पेमेंट कलेक्ट कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट विजिट करेंगे। फिर यहाँ की एंट्री टिकट 150 हमने लेस कराने की कोशिश की तो उन्होंने की नहीं, तो फिर यार ये वाला मिस हो गया। पर चलो जैसलमेर फोर्ट है अभी, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ आगे कुछ सारी स्टोरी बताते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, कैसा लगा कैसे आप बताओ, आपको कैसा लगा? हमको तो बढ़िया ही लग रहा है, आप बताओ। बस आप बढ़िया। तो यार अब इतना था नहीं, तो फिर बस यहाँ से जा रहे हैं, अब जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट को। फोर्ट को बच्चों, क्योंकि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच अब सब वो है, तो फोर्ट के अंदर कोई नहीं जाना चाहता स्यापा। ये म्यूजियम है ना, अगर चलो नहीं है तो क्या करें, फिर वहाँ सीधा मार्केट जाना है और मार्केट से फिर सीधा बस जाना है। अब इसके अंदर का जा रहे जैसलमेर फोर्ट को। अब गाइडर जी पता नहीं किधर चल गए हैं। अच्छा गाइडर वो आ गए हैं, तो वो देखते कहते बार बार से दिखा देता हूँ। ये देखो कठपुतली, क्या बात है, मेरी बहुत बढ़िया है। मतलब इन्फॉर्मेशन आपने आप उन्होंने आपको दे दी होगी, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिलेगी, मैं वो भी लिख दूंगा। यार देखो कितने पुराने पुराने घर भाई साहब, आर्किटेक्चर जब सारा सेम ही है, मतलब ऐसे शानदार रॉयल है यार ये घर, तो घरों ऐसे रॉयल देखते ही मज़ा आए। तो बस अभी फोर जा रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर साहब कर रहे हैं कोई सिस्टम, यो में घूमते घूमते आ गए हैं फोर्ट, फिर हम बाहर से करेंगे क्योंकि किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं किसी का अंदर जाने का। अब देखो क्या बनता है, अब इसकी हिस्ट्री बता दूंगा फोर्ट की, ये है क्या क्या, ये नहीं पता किधर जाना है। तो पता नहीं यहाँ से एंट्री है कि यहाँ से एंट्री है, क्योंकि हम सारे गवा चुके हैं। तो यार यहाँ से एंट्री है जी फोर्ट, आप देख सकते हो ये। जिस चेक का यार काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, ये गेट चेक करो यार, और यार ये आपको हर जगह मिल जाएगा राजस्थान में। बहुत बहुत जास्ती पे यार ये, अबे 400 मीटर बोल रहा हूँ उल्टा ये देख रहे हो, इस महल के अंदर ही मार्केट है, होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं। 4 किलोमीटर दूर से हम आ गए उल्टा, बताया था उन्होंने फोर्ट के अंदर ही सब मार्केट है, होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, पूरी बहुत अच्छा लगी है, आँख पता नहीं लाल क्यों हुई इतनी। यार जो हम फोर्ट में ना इधर ही रहने को घर रहा है, मतलब इतनी बदली बदली गली ना, ऐसा लग नहीं रहा कि फोर्ट में आए हैं, ऐसा लग रहा शहर में ही आए हैं लिटरली। ये देखो अबे मतलब भाई, अबे मतलब जैसे लिंक निकालने का भी कोई है, ये पेंटिंग हो गई। सॉरी गाइस मेरी गलती, चेक करो ये कम पैसा है, वही मंगे से होगा कंफर्म करता है। हां हां गाइस हम गलत आ गए, हम घूम गए हैं गाइस भाई, ये हम ना गवा चुके हैं। हां हो One eternity later. Oh, यार इधर रुका हुआ अभी फिलहाल, कहाँ पे है जिसका होटल का
श्री कृष्णा ढाबा है यहाँ पर रुका हुआ है। लोकेशन क्या करिए श्री कृष्ण या होटल एंड रेस्टोरेंट। श्री कृष्ण का नहीं है होटल एंड रेस्टोरेंट। लोकेशन क्या करिए भी है किधर ये जैन भोजनालय। अबे प्लीज लोकेशन होटल एंड रेस्टोरेंट पीछे है। अच्छा बीकानेर से 68 किलोमीटर पीछे है। पानी की बोतलें हमने ले ली हैं। डिनर है यार चूहे पकड़ने गए एक बोतल ले लिया आगे बस आ गई ना खोल ना सारी इमोशनल ब्लैकमेल बड़ा करते हो यार भी यहाँ पे हमें यार वो हल्का छोटा पंगा बढ़ गया। हमने 200 का सामान लिया है यार मैगी नहीं थी चिप्स चिप्स लिए थे 300 लेना वो नहीं लिया काउंटर पर खड़े हो गए उधर जहाँ से मैगी लूँगी उसका पता नहीं हमने पहला ऑर्डर दिया आते ही ओ मैं बंदे को याद नहीं वो कह रहा 2 बूंदी बस वो उसका ही पंगा डला हुआ अभी रोटी भी नहीं आई है देख रहे अब रोटी है प्योर खाते हैं हम तो अभी तो देखते हैं यार आपको दिखता है कि नहीं देख रहे हो बीकानेर 168 उसने नहीं सर्व किया उसने बस ये दिया प्लेटे ये लेके आया चमचे ये लेके आया इस बंदे ने डाला मेरे से भी हुआ है देखो मैंने खोल दिया ना मैंने जादू लगा दिया सेम एयर तब जिम नहीं कर रहा था इसलिए मैं ओहो तेरा क्या रीजन है यार मैं तो ज्यादा जोर लगा दिया लग गया ड्रिंक्स नहीं भाई ये चलेगी भाई कोल्ड ड्रिंक ये ठीक है कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे बस में रख ले ये रख ले भाई पड़ी हुई है हमारे पास हां पता मेरे को यार अभी यहां पे रुके हुए हैं तरन तारण से 74 किलोमीटर पीछे तो सबसे अभी अपनी बस है भाई में जोरी बड़ा बड़ी तेज हो रहे तो मेरे को लगता नहीं यहाँ पे 200 बंदे खा सकते हैं तो बस उन्होंने पूछा भाई 200 बंदे की सीटिंग हो जाएगी यहाँ पे 200 बंदे की सीटिंग हो सकती है यहाँ पे अभी अभी नहीं साढ़े का फंक्शन है परंतु है क्या मेरा 200 का ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹਵੇਲੀ ਬਹੂ ਹਰ ਸਤਾਜ ਹਵੇਲੀ ਅੱਛਾ ਆਹੀ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਤਾਜ ਓ ਵਾਓ ਯਾਰ ਬਸ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਟੋਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕ ਬਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ अब वो मक्खू जहाँ मैंने पहले सरताज खाया था वो एवं था मतलब ठीक ठाक था एवरेज जरा बड़ी ने बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं खाना यहाँ पूछा इनका वो है ऑलरेडी रिंग सेरेमनी है किसी 50 बंदों की वो गुरुद्वारे में उन्होंने अभी आ जाना अभी आधे घंटे के अंदर अंदर देखो बंद आ गया है देखते हैं अगर मैं आगे भैया सरताज है उसके आगे बस वो बिजली है तो वो फिर दो बार टोल कट जाएगा वो ज्यादा है। तो गाइस आ चुके फिर से सरताज हवेली जहाँ से पहला ब्रेक हुआ था वहाँ पे आज हमारा आखिरी ब्रेक भी है वैसे यार पहले पीछे करना फिर आपको पता ही है क्या होगा फिर पीछे कराना पड़ा तो अब चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं घंटे ही गएंगे और 1.5 घंटा यहाँ पे लग जाओ वही है 3 सोचा था 2 बजे पहुँचेंगे अब नहीं पहुँचते 2 बजे 1:15 हो गया ना ये 20 हुए हैं 1:30 बज गया भाई 1 घंटा रुकेंगे 2:30 बज जाएंगे 1 घंटे का रास्ता है 3:30 हाँ 4:15 उतने का हो जाएगा 2 नंबर वाले का बस फटा हुआ टायर फटा हुआ तो फिर वहाँ पर रुकेंगे हमने वेट नहीं करनी जैसे ही हमारा खाना होगा हमने फिर चलते चल जाना ये आ गया अपना ये लो भाई चेक करो इसको भी और इसको भी कैसा लग रहा है भाई
ਅਲੋਲਾ ਵੇਖਣ ਨੇ